यूपीएससी सीएसई 2022 परिणाम में इशिता किशोर ने टॉप कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2022 टॉपरों के टॉप 10 लिस्ट के बारे में, तो आइए जानते हैं। नंबर एक पर नाम है इशिता किशोर का। इशिता किशोर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में टॉप किया है। यूपी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली इशिता ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था। इशिता किशोर के पिता एयर फोर्स में और मां गृहिणी हैं। एयर फोर्स के बाल भारती स्कूल में पढ़ाई करने के बाद इशिता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद इशिता मल्टीनेशनल कंपनी में रिस्क एडवाइजर की जॉब कर रही थी। तीसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल करने वाली इशिता को यकीन था कि इस बार मेरा चांस है। इशिता ने कहा, बचपन से पापा को देखा था, उनको देखकर सोचती थी कि ऐसी नौकरी करूंगी ताकि अपने पापा की तरह वतन की सेवा कर सकूं। उन्होंने आईएएस बनकर देश की सेवा करना इशिता का सपना था, जो आज उन्होंने पूरा किया। इशिता ने परीक्षा की तैयारी घर में ही की और ये इतिहास रचा। नंबर दो पर नाम है गरिमा लोहिया का। यूपीएससी टॉपर लिस्ट में देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने वाली गरिमा लोहिया है। सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाली गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता नारायण प्रसाद लोहिया हैं। गरिमा जब 8 साल की थी तभी पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। पिता की मौत का गरिमा को गहरा सदमा लगा था। कोरोना लॉकडाउन में दिल्ली विश्वविद्यालय की ही छात्रा रही गरिमा लोहिया ने यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया और दूसरे प्रयास में ही सिविल सेवा की। सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा न केवल क्वालिफाई की बल्कि दूसरे नंबर पर आई। गरिमा ने घर में ही रहकर तैयारी की और ये परीक्षा क्रेक की। गरिमा का मानना है कि बड़े शहर में जाकर महंगी कोचिंग की जाए ये जरूरी नहीं है, घर में पढ़ाई करना सबसे सुविधाजनक होता है। इसके साथ ही जब कभी निराशा होती है तो घर में परिवार का मजबूत सहारा भी हर पल रहता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद पढ़ाई की और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से भी काफी मदद मिली। गरिमा ने कहा, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो किया, दिन में 9 घंटे में पढ़ आई की तो कभी 3 घंटे। गरिमा ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी स्ट्रेटजी बनाने और हर दिन पढ़ने की सलाह दी है। गरिमा के अनुसार सफलता हासिल करने के लिए निरंतरता बेहद जरूरी है। नंबर तीन पर नाम है उमा हरथी एन का। उमा हरथी एन ने यूपीएससी परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की है। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के साधारण से परिवार की बेटी उमा ने 2017 में आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उमा ने सिविल परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी लिया था। उमा हरथी ने सिविल परीक्षा की तैयारी करने के साथ कोविड के समय में ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग में टीचिंग भी की है। उमा ने जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया तब उनके जवाब से सिलेक्शन जूरी खूब प्रभावित हुई थी, लेकिन उमा हरथी को थोड़ा तेज आवाज में बोलने की सलाह दी गई थी ताकि जब वो अपनी पहली पोस्टिंग पर किसी जिले में तैनात हो तो वो अपनी प्रभावशाली आवाज से हनक जमा सके, जो कि प्रशासनिक सर्विस के लिए अहम होता है। नंबर चार पर नाम है स्मृति मिश्रा का। वहीं यूपीएससी की चौथी टॉपर स्मृति मिश्रा यूपी के नोएडा की रहने वाली है। स्मृति ने आगरा से 12वीं तक की पढ़ाई की, इसके बाद पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई और दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस मिरांडा हाउस कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। स्मृति का यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी था। स्मृति मिश्रा के पास एलएलबी की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रही है और उन्होंने तीसरी बार में ये सफलता हासिल की है। स्मृति मिश्रा के पापा राजकुमार मिश्रा बरेली में सीओ हैं। राजकुमार मिश्रा ने इंस्पेक्टर से पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी और डीएसपी तक का सफर तय किया। स्मृति के पिता सभी की मदद करते हैं, वैसे ही स्मृति भी आईएएस अधिकारी बनकर प्रशासन संभालते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हैं। इनकी मां गृहिणी हैं। मीडिया को दिए इंटरव्यू में स्मृति मिश्रा ने कहा, मैं कहूंगी कि घंटे मत गिनो, अपना टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि मैंने घंटे नहीं गिने, टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई की। नंबर पाँच पर नाम है मयूर हजारिका का।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मयूर हजारिका पेशे से डॉक्टर हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने असम के गुवाहाटी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। रिजल्ट समाने आने के बाद न्यूज एजेंसी एनी से बात करते हुए मयूर ने कहा कि मुझे इतने अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, मैं इससे संतुष्ट हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता भारतीय विदेश सेवा है, बाकी देखते हैं कैसे अलॉटमेंट होता है। नंबर 6 पर नाम है गहना नव्या जेम्स का। UPSC परीक्षा में 6वीं रैंक हासिल करने वाली मलयाली लड़की गहना नव्या जेम्स हैं। केरल के कोट्टायम की रहने वाली गहना नव्या अपने नतीजों से बेहद खुश हूं। उन्होंने कहा, बचपन से ही यह मेरा सपना रहा है, बस मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हूं। बिना किसी कोचिंग के ये उपलब्धि हासिल करने वाली गहना ने हमेशा पढ़ाई में टॉपर रही हैं। सेंट थॉमस कॉलेज पाला से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। वह वर्तमान में इंटरनेशनल रिलेशन में PhD कर रही हैं। गहना जापान में भारत के राजदूत IFS अधिकारी सिबी जॉर्ज की भतीजी हैं। नंबर 7 पर नाम है वसीम अहमद भट्ट का। आतंकवाद के गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के युवा वसीम अहमद भट्ट ने अपनी मेहनत के बलबूते संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस में पूरे देश में 7वीं रैंक हासिल कर युवाओं के लिए मिसाल कायम की है। नंबर 8 पर नाम है अनिरुद्ध यादव का। अनिरुद्ध यादव ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम में 8वीं रैंक के साथ टॉप किया है। अनिरुद्ध यादव का पूरा परिवार सिविल सेवा में रहा है। उनके पिता IPS मनोज यादव हरियाणा के पूर्व DGP रहे हैं। उनके बड़े भाई आदित्य विक्रम भी IAS अधिकारी हैं और असम में पदस्थ हैं, जबकि मां ने वाणिज्य मंत्रालय से VRS ले लिया था। IIT दिल्ली से MTech कर चुके अनिरुद्ध यादव ने पहले प्रयास में UPSC क्रैक किया था, हालांकि तब उन्हें IRPS यानी इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज मिला था। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्हें भारतीय सूचना सेवा यानी IIS मिली। वहीं अब चौथे प्रयास में 8वीं रैंक के साथ IAS बने हैं। अनिरुद्ध के पसंदीदा खेलों में फुटबॉल और स्क्वैश शामिल हैं। नंबर 9 पर नाम है कनिका गोयल का। कनिका गोयल ने UPSC में 9वीं रैंक हासिल की है। कनिका हरियाणा के केथल की रहने वाली है। केथल जैसे छोटे शहर से इन्होंने BA राजनीतिक विज्ञान में किया है। कनिका बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता 10वीं पास है। 10वीं पास पिता की बेटी कनिका अपने माँ बाप की अकेली बेटी हैं। कनिका ने दूसरे प्रयास में UPSC परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की है। लिखने का शौक रखने वाली कनिका अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए नियमित प्राणायाम करती है। कनिका अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए किताबें पढ़ना, प्रतिदिन अखबार पढ़ती थी। इसके अलावा जब पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली तो कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की और अब दूसरे ही प्रयास में 9वीं रैंक हासिल की। समझदार होने के बाद से ही कनिका IAS बनने का सपना देख रही थी। उनके मम्मी पापा ने उनका पूरा साथ दिया। नंबर 10 पर नाम है राहुल श्रीवास्तव का। UPSC 2022 में ऑल इंडिया में 10वां स्थान बिहार के राहुल श्रीवास्तव ने हासिल किया है। राहुल का नाम संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट में देख तो पटना के चितकोहरा में यह खबर जंगल में आग की तरह खबर फैल गई, क्योंकि राहुल यहीं के रहने वाले हैं। चितकोहरा में राहुल जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां उनके पड़ोसियों ने उनकी कई खूबियां गिनाई। राहुल ने 10वीं कक्षा तक पटना में सेंट करेंस स्कूल से पढ़ाई की और DAV बोर्ड कॉलोनी से 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद राहुल ने NIT त्रिची से इंस्ट्रूमेंटेशन की पढ़ाई की। इस समय राहुल श्रीवास्तव हैदराबाद में हैं। उनके पिता केनरा बैंक के सीनियर मैनेजर पद से रिटायर हुए हैं। वह मूल रूप से मुजफ्फरपुर के दामूचक के रहने वाले हैं, लेकिन पूरा परिवार चितकोहरा में रहता है। दोस्तों, ये रही UPSC 2023 की परीक्षा में टॉप करने वाले टॉप 10 अभ्यर्थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी मित्रों का।